उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों में हलचल मची हुई है। खासतौर से सीटों के बंटवारे को लेकर गठबंधन में चुनाव लड़ रहे राजनीतिक दलों में भारी खींचतान देखने को मिल रहा है। सीट बंटवारे का गणित बिठाने के लिए दिग्गज नेता जुटे हुए हैं। इस बीच बीजेपी के साथी दल निषाद पार्टी को लेकर खबर आ रही है कि निषाद पार्टी 9 में से 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि शुक्रवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और निषाद पार्टी प्रमुख संजय निषाद ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया। संजय निषाद जी हमारे मित्र हैं और हम लोग पढ़ाई के दिनों के साथी। डॉक्टर संजय निषाद जी ने जमीन से उठ करके उत्तर प्रदेश में और देश में अपनी मेहनत के बलबूते एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। सबसे पहले मैं डॉक्टर संजय निषाद जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, इनका आभार प्रकट करता हूं। भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का गठबंधन जो पूरी तरह से पूरे प्रदेश में बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं के साथ धरातल पर उतर चुका है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के इन 9 उपचुनाव में हम सब मिलकर के जीत के लिए लड़ेंगे और हर स्थिति में 9 की 9 सीटों पर विपक्षी प्रत्याशियों को, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को पराजित करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो इंडी गठबंधन का खटाखट फटाफट सटासट जैसे जो खोखले वादे थे, लोगों को गुमराह करने वाले जो तरीके थे, बिल्कुल अब गुमराह उत्तर प्रदेश के लोग नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश के लोगों ने समाजवादी पार्टी की कलई को, इंडी गठबंधन की कलई को, उनकी असलियत को समझ लिया है।